सो गाइस, इंडियन बाइक रेस रेडिंग गेम में आ चुका है पुलिस स्टेशन। यही गाइस, आप लोग सच में सुन रहे हो कि इधर पुलिस स्टेशन आ चुका है। तो अभी हम लोग चल के देखने वाले कि वो पुलिस स्टेशन कैसा है, उसमें पुलिस वाले है कि नहीं है। और हम लोग ये भी देखने वाले कि जेल में कितने सारे कैदी पैक हुए, मतलब कितने कैदी जेल में जा चुके हैं, मतलब जिसने भी रूल्स वगैरह तोड़े होंगे सिटी के, वो सभी लोग जेल में हो गए अभी। तो चल के देखते हैं पहले वो पुलिस स्टेशन का। और जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में याद होगा कि पिछली वीडियो में सिटी में जॉम्बी अटैक हुआ था, तो पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आए दिन सिटी में चोरी वगैरह होती रहती है और जॉम्बी वगैरह जब भी अटैक करते हैं, तो फिर कोई तो चाहिए ना जो जो सिटी को बचाए। कब तक हम लोग सिटी का हीरो बन के सिटी को बचाते रहेंगे? तो पिछली वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग इस अपार्टमेंट में छुप छुप गए और जॉम्बी से हम लोग बच गए थे, क्योंकि जॉम्बी लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे क्योंकि उधर एक बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली ढलांग थी और इधर ये कंस्ट्रक्शन भी इसका पूरा हो चुका है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इधर एक शोरूम खरीद लें, क्योंकि यार इधर बहुत जगह, बहुत सारी अच्छी जगह है, मतलब गाड़ियाँ पार्क करने के लिए और बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस, तो हम इधर अपनी सारी गाड़ियाँ आराम से इधर खड़ी कर सकते हैं। बाकी यार वैसे आपको ये लोकेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे और कौन कौन सी नई गेम्स खेलनी चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये लोकेशन पहले भी इधर थी, ये अभी अभी शिफ्ट हुई है, मतलब ये कौन सी बिल्डिंग है जो अचानक रातों रात खड़ी हो चुकी है? मतलब कोई ऑर्डर वॉर्डर में बनी है क्या ये बिल्डिंग? मतलब किसी जमीन में से ऊपर आई है क्या? चलो चल के देखते हैं। ओ भाई साहब, मतलब यही है वो पुलिस स्टेशन जो सिटी में नया बना है। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कितने कैदी हैं अंदर और कितने पुलिस वाले हैं अंदर। अभी हम लोगों को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इधर क्राइम व्राइम करने से पहले, मतलब यार अभी पुलिस वाले लोग भी आ जाएंगे थोड़े दिन में इधर, मतलब अभी तो कोई दिख नहीं रहा है इधर पुलिस वाला वगैरह। तो देखते हैं कितने दिन में पुलिस वाले आते हैं इधर। ओके, तो बड़ा वाला बोर्ड मारा है पुलिस स्टेशन का भाई यार। ओ भाई साहब, अंदर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, ये देखो तीन चार कुर्सी इधर रखी है और तीन कुर्सी इधर, और इधर सामने कोई कॉन्स्टेबल होगा वो बैठेगा, मतलब रिसेप्शन वाले, रिसेप्शन था। तो भाई अभी तो पुलिस स्टेशन में कोई है नहीं, और मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि हम लोग पुलिस स्टेशन के दीवार के बाजू में अगर हम लोग गाड़ी रख दें और गाड़ी से उतरेंगे तो हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। तो चलो ट्राई करके देखते हैं ये बाइक से हो जाएगा कि नहीं। नहीं मुझे पता नहीं, वो लोग तो कार से कर रहे थे, मतलब कार से तो हो जाएगा बट बाइक से वैसा कुछ बोल नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं, अगर होगा हो गया तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। ओके भाई लोग, हम लोगों ने कार इधर, मतलब बाइक इधर लगा दी, अभी उतरते हैं बाइक पे से। वो भाई साहब मतलब ओके, तो अंदर घुसा था पर बाहर जंप मार दी हमने, तो ये बाइक से तो नहीं हो पाएगा, हम लोगों को किसी की कार चुरा के लानी पड़ेगी क्योंकि हमारी कार तो अभी घर पर है। और मैं इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि अभी मैं अपने घर जाऊँ और अपने घर से गाड़ी निकाल के सीधा इधर आऊँ, क्योंकि हमारा घर इधर से बहुत ज़्यादा दूर है अगर आपको पता होगा तो, और मैं अपने घर जाने नहीं वाला। तो ये इधर सामने कोई जा रहा है बुगाटी लेके, इसकी बुगाटी चुरा लेते। अरे भाई मतलब अभी के लिए तो ठीक है, हम लोग किसी की गाड़ी चुरा रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाजू में, क्योंकि अंदर पुलिस वाले हैं नहीं, तो जब भी पुलिस वाले आ जाएंगे तभी हमको गाड़ी चुराने में और वो सब करने में दिक्कत होगी। वैसे हम लोग किसी की गाड़ी ऐसे तो चुराते हैं नहीं, बट अभी कोई ज़रूरत है तो अभी चुरा लेते, कोई बात नहीं, देख लेंगे तब की तब हो जाएगा, कर लेंगे, देखते चलो ना। पहले हम लोग गाड़ी ले जाएगा अंदर। ओ मैडम जी हटाओ, इधर शॉपिंग मॉल नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, क्या करने आ रही है इधर? चलो अभी इसको छोड़ो, इसको जाने दो, बाद में बाहर में अभी हम लोग गाड़ी लगाते हैं इधर, पहले देखते हैं। ओके नहीं, इतने में तो हम लोग बाहर ही आ जाएंगे वापस, थोड़ी सी गाड़ी अड़ा के खड़ी करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, ओके ओके पहुँच गए अंदर, अभी अंदर चल के देखते। ओ भाई साहब, हम तो जेल में आ चुके, मतलब ठीक ठाक ही अंदर से, इतना भी कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं और इतना भी कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, तो देखते हैं अभी कितने में बनता ही है। तो इधर स्टिकी बम लगा देखते ये टूटता है कि नहीं। तो हमने चार पांच स्टिकी बम लगा दिए जेल पे, एकदम कॉर्नर पे लगाए हमने ताकि दीवार ब्लास्ट हो जाए, और स्टिकी बम एक्टिवेट कर दिया, वो मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, एक पत्थर भी नहीं टूटा है जेल का, और ना ही इसका ये बैंड हुआ है। तो ये रॉकेट लॉन्चर मार के देखते हैं अगर कुछ हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।